नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गैंग डॉक्टर में। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई अपडेट हो सबसे पहले मिल सके। अगर आप चाहते हैं अपना MBBS कंप्लीट करना बगैर किसी सप्ली एग्जाम के या ईयर बैक लगाए, तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें, जिससे कि आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल सके। आज की ये वीडियो इन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि MBBS में एडमिशन ले चुके हैं, चाहे वो किसी भी प्रॉफ में हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फाइनल प्रॉफ में। आप किसी भी प्रॉफ में हो, इस वीडियो कंप्लीट एंड तक देखें, जिससे कि आप बिना सप्ली के अपने एग्जाम्स अच्छे से पास कर सकें। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि आपको किस तरीके से स्टडी करनी है, जिससे कि आप कम टाइम में अच्छी स्टडी कर सकें और बिना सप्ली के किसी भी प्रॉफ को पास कर सकें। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स को स्टडी करना है। आप चाहे किसी भी प्रॉफ में हो, आपको एक इम्पॉर्टेंट की PDF ऑलरेडी मिल चुकी होगी, तो आप उस PDF में आपको जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिन पे डबल स्टार या ट्रिपल स्टार या 1 स्टार हैं, उनके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले उन टॉपिक्स को फिनिश करिए। जैसे जिस पर 3 स्टार हैं, सबसे पहले उन टॉपिक्स को आप कंप्लीट करें, उसके बाद 2 स्टार, उसके बाद 1 स्टार, और अगर आपके पास और टाइम बच जाता है तो आप बचे हुए जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपके सीनियर्स ने आपको इम्पॉर्टेंट बताए हैं, आप उन्हें भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो आपको PDF में इम्पॉर्टेंट स्टार बने हुए हैं, पहले आप उन्हें कंप्लीट करें, उसके बाद बचे हुए टॉपिक्स को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो। अब आइए बात करते हैं अगली टिप की बात की जाए तो आपको क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जो भी आपको क्वेश्चन आता हो या ना आता हो, आपको करने सारे अटैम्प्ट हैं, क्योंकि अगर आपके बाई चांस नंबर कम रह जाते हैं तो क्वेश्चन अटैम्प्ट में 1 मार्क्स मिल जाता है। तो आपको करना यह है कि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आपका छूट रहा है तो आपको उसके रिलेटेड अगर कोई भी आंसर उसके रिलेटेड आता हो तो आप उसको लिख दें, क्योंकि छोड़ने से अच्छा होगा कि आपको कुछ ना कुछ अटैम्प्ट के मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसलिए कोशिश आप यही करें कि आप सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें और एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें। अब आइए बात करते हैं अगली टिप की बात की जाए तो आपको टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को यही आती है कि उनके लिए टाइम की प्रॉब्लम पड़ जाती है। तो इसलिए टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें, क्योंकि अगर आप टाइम में पेपर नहीं कर पाएंगे तो आपके क्वेश्चन छोड़ने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो इसलिए आप पहले कोशिश ये करें कि आप सारे क्वेश्चन को टाइमली कर लें। इसके लिए चाहे आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप पहले प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अगर आपको टाइम मैनेजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके आपको बाद में काफ़ी ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आप पहले टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से कर लें और क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़े और आप अपना बिना सप्ली के एग्ज़ाम पास कर सकें। अगली टिप की बात की जाए तो आपको क्वेश्चन पेपर में कलरफुल पेन्स का इस्तेमाल करना है, जैसे कि ब्लू और ब्लैक पेन आप दोनों यूज़ करें, क्योंकि अगर आप सिर्फ ब्लू पेन यूज़ करेंगे तो आपको फिर क्वेश्चन को डिफरेंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही आप हाइलाइटर को भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड, जो आपने ज़्यादा ज़रूरी वर्ड हो वो आपने लिख रखा हो, उसे आप हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे कि टीचर को वो वर्ड ईजिली दिख जाए और आपको मार्क्स देने में आसानी हो। तो इसलिए आप हाईलाइटर का यूज़ करें, जिससे कि टीचर को आसानी से वो इम्पोर्टेंट वर्ड दिख सके और आपको अच्छे मार्क्स दे सके। अब आइए बात करते हैं अगली टिप की। आपको क्वेश्चन पेपर लाइन से ही अटैम्प्ट करना है, ये नहीं है कि आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी अटैम्प्ट कर देना है। आपको लाइन से सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, चाहे भले ही आपको आता हो या ना आता हो, आप उसके अकॉर्डिंग जो भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं और आपको वो नहीं आता है तो आप उसके लिए पहले पेजेस छोड़ सकते हैं। जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप उसके लिए मिनिमम 5 to 6 पेजेस छोड़ सकते हैं और उस आगे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जब आपके पास बाद में टाइम रह जाता है तो आप उसको फिल कर सकते हैं। जो भी कुछ आपको आता हो उसके रिलेटेड आप उसको उन पेजेस में फिल कर सकते हैं, और आपको अगर पेजेस ब्लैंक रह जाते हैं तो आप उस पेजेस को काट सकते हैं और उस पर PTO लिख सकते हैं, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो और टीचर भी उस पेज को छोड़ दे, क्योंकि अगर आप ब्लैंक पेजेस छोड़ देंगे तो टीचर वहाँ पे हो सकता है एंड कर दे आपके और आगे बचे हुए क्वेश्चंस को चेक ना कर पाए। तो इसलिए आप पेजेस को कट कर दें और PTO लिख दें, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम पास कर सकें। अब आइए बात करते हैं अगली टिप की बात की जाए तो आप एक टाइम टेबल बना लें, जिससे कि आप स्टडीज़ को और ज़्यादा बेस्ट कर सकें। स्क्रीन पर मैंने एक टाइम टेबल शो कर रखा है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग जाना चाहें तो आप इसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं, और नहीं तो आप अपना बेस्ट टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि आपको ही ज़्यादा बेस्ट पता होगा कि आप किस टाइम पे स्टडीज़ कर सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग जाएं।
और कोशिश यही करें कि आप अपने लिए अपने आपके लिए बेस्ट से बेस्ट टाइम टेबल को बनाएं। अगली टिप की बात की जाए तो आपको कोई भी चीटिंग ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी अनफेयर मीन्स आप ना लेके जाएं, क्योंकि एक बार अगर आप पकड़े गए तो आप पे अनफेयर मीन्स लग जाता है और फिर आपको पेपर नहीं देने दिया जाएगा। इसके साथ ही जितने भी पेपर आप दे चुके होंगे उनको भी कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको फिर ईयर बैग लगने के पूरे चांसेस रहेंगे, और उसके साथ ही आपको 6 मंथ्स, 1 ईयर या 2 ईयर के लिए सस्पेंड भी कर देंगे और फिर आप काफ़ी पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए आप कोशिश यही करें कि आप कोई भी चीट या अनफेयर मीन्स ना लेके जाएं और ख़ुद से बेस्ट पेपर दे के आएँ। और लास्ट ईयर से बात की जाए तो ऑलरेडी 60-40 का रेशियो लागू हो गया है, तो आपको थ्योरी में 100 में से 40 मार्क्स ही लाने हैं, लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो आपको 300 में 150 मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करें कि आप थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, इन सभी में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लें और आप इजीली पास हो सकें और आपको कोई भी सप्ली एग्ज़ाम ना देना पड़े। अगली टिप की बात की जाए तो यह है कि आपको लास्ट 2-3 ईयर्स के मिनिमम क्वेश्चन को आप देख लें कि किस तरीके का पैटर्न आया है और किस तरीके क्वेश्चंस को पेपर में पूछा जाता है, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग सके क्वेश्चंस फ्रेमिंग का। तो इसलिए आप कोशिश यही करें कि लास्ट 2-3 ईयर्स का मिनिमम क्वेश्चन पेपर देख लें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे कि आप और ज़्यादा अच्छे मार्क्स को ला सकें। इन सभी टिप्स एंड ट्रिक्स की समराइज वे में बात की जाए तो आपको सबसे पहले बात ये ध्यान रखनी है कि आपको एक इम्पॉर्टेंट PDF की लिस्ट आपके सीनियर से मिल चुकी होगी, और अगर नहीं मिली है तो आप उसको ले सकते हैं। उस PDF में आपको स्टार पॉइंट्स मिल जाएंगे जिन पर 2, 3 या 1 स्टार लगा होगा। पहले आप उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट करें, क्योंकि वो एवरी ईयर वो टॉपिक्स आते ही आते हैं, तो इसलिए पहले आप उन टॉपिक्स को कवर करें, उनको कंप्लीट कर लें। उसके बाद अगर आपके पास टाइम रह जाता है तो आप बचे हुए टॉपिक्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए टिप्स है जो कि कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं या उन्होंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो उनके लिए यह टिप बहुत महत्वपूर्ण रहेगी कि सबसे पहले आप वो टॉपिक्स करें जिन पर स्टार हैं। और बाकी और भी स्टूडेंट्स जो कंप्लीट कर चुके हैं कोर्स, वो भी ये टिप्स को ट्राई कर सकते हैं और ज़्यादा मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको क्वेश्चन पेपर लाइन से अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन आगे पीछे नहीं करना है, क्योंकि टीचर को चेक करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, फिर वो सीरियसली चेक नहीं कर पाता है और उसका फिर माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए आप क्वेश्चन को लाइन से लिखें और आंसर्स को लाइन से फ्रेम करें, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और टीचर भी आपको अच्छे मार्क्स दे सके। और उसके साथ ही आप हाइलाइटर का यूज़ करें, एग्ज़ाम जो भी कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करें, जिससे कि एग्जामिनर इजीली उनको देख सके और आपको अच्छे मार्क्स दे सके। इसके साथ ही बात की जाए कि आपको कोई भी पेजेस लेफ्ट नहीं करने हैं, अगर बाई चांस कोई पेज बीच में छूट जाता है तो आप फिर उसको PTO लिख के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसको ऐसे ही ना छोड़ें क्योंकि कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम हो सकती है और आगे के क्वेश्चन जो आपने उस पेपर के बाद कर रखे हो सकता है चेकर उसे भूल जाए चेक करना या आगे ना देखे, तो इसलिए आप उस पर PTO लिख दें, जिससे कि एग्जामिनर आगे चेक करे और आपको अच्छे मार्क्स दे सके। इसके बाद बात की जाए कि आपको कोई क्वेश्चन जैसे नहीं आ रहा है तो आपको उसके लिए क्वेश्चन के लिए आप पेजेस छोड़ दें और उस क्वेश्चन को आप बाद में अटेम्प्ट कर लें, जिससे कि आपको टाइम का मैनेजमेंट भी हो सके। इसके साथ ही बात की जाए तो आप डायग्राम, फ्लो चार्ट या साइकिल, जहां पर भी जो भी नेसेसरी है आप उसको बनाने की पूरी कोशिश करें, जिससे कि आपका शीट जो है वो और ज़्यादा अच्छी लगे और आपको और ज़्यादा मार्क्स मिल सकें। और साथ में आप टाइम का पूरा ध्यान रखें, टाइम मैनेज करके चलें शुरू से ही, क्योंकि आपको फिर अगर पेपर छूट जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आप टाइम मैनेजमेंट की पूरी प्रैक्टिस करके पहले ही रख लें, जिससे कि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। 20 MCQ आपको पेपर में मिलेंगे, तो आप उनको भी ना छोड़ें, क्योंकि आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग MCQ में नहीं है, तो OMR शीट में आप सारे MCQs को फिल करें, जिससे कि आपको अगर बाई चांस नहीं भी आता हो और आपने उसे फिल कर रखा होगा तो अगर वो सही हो जाता है तो उसके भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो आप सारे MCQs को फिल करें। बाकी यही है मेरी आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जिससे कि आपको और ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकें और आप इजीली बिना किसी सप्ली के एग्ज़ाम को पास कर सकें।
बाकी आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, जो भी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम आ रहे हैं उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपने एग्ज़ाम्स अच्छे से दें और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली पास हो सकें बिना किसी सप्ली एग्ज़ाम के। उम्मीद है यह वीडियो आपके काम आएगी। अगर यह वीडियो आपके काम आती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके और वो भी अपने मार्क्स को इनक्रीज़ कर सकें। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी अपडेट हो वो आपको मिल सके और आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आगे आपको किस वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। और भी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Amazing, waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now.